एजुकेशन के बराबर की टक्कर आपको कम्युनिकेशन में है। आजकल लोग बोलते हैं कि आपका एजुकेशन है अच्छा है, मगर आपके एजुकेशन के साथ साथ आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे मेरे एक इंस्टीट्यूट में आके या मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में आके, वो दिखाइए। आजकल के बच्चे जो हैं उनको एक बात ज़रूर बहुत ही पक्का मालूम है और वो है उनका सैलरी। व्हाट इज़ द सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग सर? 25,000 सर, 50,000 सर, 13,000 सर, 6,000, ऐसे बोलेंगे। पहली बात तो ये गलत है। आपको हमेशा किसी को बताना है, एम्प्लॉयर को बताना है कि आप उनसे नाता जोड़ रहे हैं एक म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के आधार पर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ब्लू कॉलर्ड वर्क्समैन की तरह, मजदूर की तरह एक महीने की तनख्वाह डिस्कस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो ये आपको दिखाना है कि मुझे एनुअल क्या चाहिए। मैं अगर बोलूंगा कि 20,000 पर मंथ तो मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा हूं, मुझे ऐसा बोलना है 2.4 पर एनम। वो समझ जाएंगे कि 2.4 का मतलब है 2.4 लाख पर एनम। अगर आप ये पक्का जानते हैं कि 2.4 पर एनम आपको चाहिए, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे। अगर आपको लिंग्विस्टिक एबिलिटी की क्षमता दिखाना नहीं आता, तो आप जरूर ये जान जाइए कि आप मेरी आंखों में गिर गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको जॉब दूंगा, मगर मैं हमेशा कहता हूं मैं सैलरी आपको नहीं दूंगा। अगर आपको सैलरी चाहिए तो दो पिलर के आधार पर मैं आपको सैलरी दूंगा। एक IQ एंड TQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और टेक्नोलॉजी क्वोशेंट। आप जो काम मैं सौंपता हूं उस काम को निपटाने की आप में क्षमता होना चाहिए। आपको दो खम के आधार के ऊपर मैं सैलरी दूंगा। जॉब तो मैं दूंगा, मगर दोनों खम चाहिए मुझे। आपको दिखाना है कि आप में एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, नहीं तो IQ प्लस TQ, टेक्नोलॉजी क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट है आपके पास। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। आजकल के ज़माने में हम लोगों को इंटरव्यूज पे बुलाते हैं और उनको जॉब दे देते हैं, मगर 600 लोगों में मुझे सिर्फ 50 लोग चाहिए, और उन 50 लोगों में मैं आपको डांट कर काम दूंगा। आप बोलेंगे कैसे डांटेंगे आप मुझे? मैं डांटूंगा ऐसे कि आप बोलिए अपने बारे में कुछ बताइए। नहीं चलेगा। डू यू हैव योर रिज्यूमे? नहीं चलेगा। आपको इंटेलिजेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यस सर, फाइन सर, आई डू हैव इट सर, यस सर, करेक्ट सर, आई नो सर, फाइन सर, ऐसा बोलना चाहिए। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।